हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सॉल्व करते हैं मेंटल मैथ्स को और फटाफट देखते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे 6 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स अपॉन 24, 6 वन जा एंड 6 फोर जा, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो 20/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और ये हमारा 1/5 हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए आवर इज अ मिनट, तो मिनट्स का मतलब हो गया 20/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द इंप्रॉपर फ्रैक्शन, यहां पे आपको क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 को ऐड कर देना है, 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 10/3 आ जाएगा। रिड्यूस द फ्रैक्शन ऑफ 24/40, तो 24 और 40 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आपको आएगा 8, और 8 से इनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 24 को, तो 8 3 = 24 और 8 5 = 40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो काफी आसान क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर सेम है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपका सबसे लोएस्ट न्यूमिरेटर वाला फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद वाला फ्रैक्शन आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा वो फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर हमारा 7/11 आ जाएगा, फिर हमारा 9/11 आ जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये काफी सारा फ्रैक्शंस हैं, अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो अगर आप इसको अरेंज करने चलोगे तो इट विल टेक सम मच टाइम। तो चलो इसको थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करते हैं। कैसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे, काफी आसान है। 5/11 का मतलब हो गया कि 11 में से आपने 5 भाग किसी को दे दिया, तो 11 में से आपने किसी को 5 भाग दे दिया। 5/9 का मतलब क्या, या फिर आप इसको थोड़ा उल्टा देख सकते हो कि 5 में से आपने 11 दिया, तो जो देखो 5 में से 6 में से आपने 5 दिया, तो 6 में से अगर आपने 5 दिया तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पोर्शंस है। 6 पार्ट्स में से आपने 5 पार्ट्स दे दिए, तो अगर मैं सभी को इक्वल साइज का मान के चलूं और उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर देना चाहें, जैसे कि मान लीजिए ये जितने भी फ्रैक्शन है सब इसी हाइट के हैं, सारे सेम फ्रैक्शन है, ठीक है, और अब आप इसको क्या करो, बाइफोकेट करो, मतलब तोड़ो इसको, 11 पार्ट में ब्रेक कर दो, 9 पार्ट में ब्रेक कर दो, 7 पार्ट में ब्रेक कर दो, 13 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो 13 पार्ट में से आपने 5 पार्ट दिए, तो 13 में से 5 पार्ट दिए, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपने दिया, ये टोटल 13 भाग है, यहाँ पे ये टोटल 13 भाग है, इसमें से हमने क्या किया, सिर्फ 5 दिया, तो छोटा सा फ्रैक्शन निकल के आएगा। अब मैंने क्या किया, इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसमें से 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लो उसमें से मैंने 5 दे दिया, तो थोड़ा बिग वैल्यू निकल के आएंगे। तो ये जब आप अरेंज करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 5/6 आएगा, फिर आपका 5/7, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बीच की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी वो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो 6 - 5 1 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, 9 - 5 क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसका मतलब ये इससे बिगेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट फंक्शन, सबसे बिगेस्ट फंक्शन ये हो गया फ्रैक्शन 5/6, और यह 5/7, ये 5/9, उसके बाद 5 - 11, 11 - 5 करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा उसके बाद आ जाएगा, और सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन जो है वो 5/13 आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी को मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन लेना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।